और पीएफआई आज दोपहर 2:30 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यक्रम स्थगित होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएफआई के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी कार्यक्रम की इजाजत, जिसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाएगी। क्या कहा जाएगा पीएफआई की तरफ से, क्योंकि पीएफआई को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, कई गंभीर आरोप हैं पीएफआई के ऊपर। तो बड़ी खबर यही है जिस पर इनपुट आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दे दे कि किस तरीके से अब दिल्ली में नहीं होगा पीएफआई का कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक दिल्ली के अंबेडकर भवन में आज ये कार्यक्रम होना था, पीएफआई का ये कार्यक्रम। आज दोपहर 2:30 बजे का ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में पीएफआई के नेताओं का भाषण भी होना था। और इस बीच आपको ये बता दें कि वीएचपी समेत कई संगठनों ने कार्यक्रम का विरोध किया था और साथ ही दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर कार्यक्रम नहीं होने देने की मांग भी की गई थी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। आपको ये बता दें कि कार्यक्रम से दिल्ली का माहौल खराब होने की बात कही गई है और साथ ही कार्यक्रम के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि शक था कि कार्यक्रम में भड़काऊ बातें हो सकती थी। अब इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता प्रमोद स्वामी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी से चांसलर हमारे साथ हैं फिरोज बख्त अहमद साहब और साथ ही फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मेरा सबसे पहला सवाल प्रमोद स्वामी जी आपसे है, जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है, क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सामाजिक संगठन के नाम पर पीएफआई अब हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है और उसी के तहत अब ये भी फैसला लिया जा रहा है कि अगर दिल्ली में कोई कार्यक्रम है तो पुलिस उसकी इजाजत नहीं दे रही? ये बिल्कुल, आपने जो आज का विषय रखा है कट्टरता को सजा कब, ये बिल्कुल सही विषय आज आपने चुना है। और जिस तरह से कट्टरता बढ़ रही है ये पूरे देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। और पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वो शुरू से ही संदिग्ध गतिविधियां रही हैं, वो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और अभी हाल ही में देखिए आसाम में भी जो जिहादी मॉड्यूल नेटवर्क का भांडाफोड़ हमारी पुलिस ने किया है और जिसमें 20 करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसमें जो जो लोग हैं वो मदरसों के शिक्षक भी है, करीब 10-12 जो है वो मदरसों के शिक्षक है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि जो मदरसे हम सोचते थे कि धर्म के बारे में, मजहब के बारे में शिक्षा देते हैं, तो धर्म और मजहब कभी भी ये नहीं सिखाता कि नफरत करो और किसी अन्य के। असम में भी देखिए यही हुआ है, असम से कल ही खबर सामने आई जहां एक मदरसे का शिक्षक आतंकियों को पनाह देता था। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।